किसका ट्रेलर? किसका? देवारा का फाइनली ट्रेलर आ गया ये। आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, धर्म जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? लाला 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 खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहाँ है, हम तेरा काम आने के देवरा, देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्ध हुए, कैसे बनेगी? क्या तू तो संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। अगर काम पे गया तो काम होते ही लौटा था, वो अपनी जिद पूरी करने गया है। देवरा को समुंदर पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समुंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, आज से एक अंधे का डर बनूंगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग फेज में मजा आ रहा था और फिर लास्ट लास्ट में जाते जाते ना वो बहुत पेसअप कर दिया उन्होंने, तो जो भी एक्शन सीन वगैरह चल रहे वो ऐसे लग रहा है कार्टून ही चल रहा है, मजाक चल रहा है, वो उतना फील नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट लास्ट लास्ट में आते आते, बट स्टार्टिंग में मजा आ रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से वो क्लिप पे ध्यान ही नहीं जा रहा है कि भाई चल क्या रहा है और डायलॉग बोल क्या रहे है वो। पीछे अनिरुद्ध का म्यूजिक, ओह फर्स्ट इंप्रेशन में जहाँ तक मुझे ये लगा ट्रेलर में होगा कि इन दोनों के बीच में वही फाइट दिखाएंगे, देवारा अपने बाप या दादा या गांव का बदला लेने जाएगा, VFX वगैरह यूज किया और वो कमी नजर आ रही है। वो तो छोटे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे भाई वो तो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियसली दिखेगा ऐसे। हाँ इधर एक अच्छा दिखाया कि नेवी के सामने रहते हुए ये लोग फाइट कर रहे, डर वर का कुछ सीन नहीं है भाई, उनको नेवी वालों को मार दिया ऐसे दिखाया, और अगले सीन में ऐसे दिखाया कि इनको खुद देवारा ने मार दिया। वही ना, डर किसके जैसे थी भाई। देवरा देवरा देवरा, क्या म्यूजिक बज रहा है, क्या ही म्यूजिक बज रहा है, तगड़ा। अच्छा पीछे शार्क को उसने पकड़ के रखा है जो आगे यूज करता है, कि शार्क के ऊपर वो घूम रहा है, समझ रहे हो। जानवी कपूर टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं जमी, सीधी बात मुंह पे, मतलब जितना अभी ट्रेलर में दिखाया उसको पिक्चर में अब पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट करती है नहीं करती है। ऐसे हल्का हल्का वाइब ऐसे क्यों आ रहा था कि भाई ये पुष्पा काइंड ऑफ रश्मिका काइंड ऑफ, समझ रहे हो। यस संग्राम में लड़ेगा अपना जूनियर NTR। ये थोड़ा मैंने फन वे में लिया, स्किप कर दिया, दिमाग से उड़ा दिया कि मैंने ऐसा कुछ देखा भी है। जो धोती कुर्ते में वो बाप है और जो बेटा है वो एकदम शर्ट वर्ट पहन के सज्जन माफिक, यहाँ पे कैसे वो डरा हुआ एकदम से बैठा हुआ है जूनियर NTR और वहीं पे उसका बाप लीड कर रहा है वो अपनी टुकड़ी को। ये भाई ब्रूटल सीन था। ओके तो ऐसा होगा, बाप को मार देगा सैफ अली खान, फिर बेटा बदला लेने आएगा, गॉड नोज हु नोज। बेटे में भी अब धीरे से स्वैग आ चुका है भाई, देख रहे हो तलवार है और कैसा पकड़ रखा है हथियार। यहाँ बाप लड़ रहा है और यहाँ बेटा लड़ रहा है। अबे यार बहुत फास्ट ट्रेलर एडिट कर दिया इन्होंने। आज से एक अंधे का डर बनूंगा, ये अच्छी लाइन है। अच्छा लगा जो भी उन्होंने सेट वगैरह बना रखा था, एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी, जूनियर NTR भी हमको बढ़िया लगे, जानवी कपूर इल्ले, सैफ अली खान
टॉप नॉच। मजा आएगा जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच में फाइट देखने में। ओवरऑल बात करें तो ट्रेलर एक अच्छा खासा है, जो मतलब फैंस के अंदर हाइप बढ़ा देगा। इंटरेस्टेड है देखने के लिए क्या मसाला लाते हैं। बस वही घिसा पीटा बॉलीवुड टच ना दे दे, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। दिमाग खुल जाए, ऐसा कुछ स्टोरी ला दे भाई, मजा आ जाए। सच्ची बताऊंगा 4 बार मैं खुद देखने जाऊंगा, दोस्तों को भी ले जाऊंगा। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके बताना। म्यूजिक अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, कास्टिंग अच्छी थी जब तक जानवी कब ओवरऑल प्रोडक्शन भी बहुत तगड़ा है, स्टोरी ओके लगी अभी तक जहां तक मैंने डिकोड करने की कोशिश करी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करते जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मित्र।